good morning student today our topic is movements of the ocean the ocean never stand still they keep on moving constantly there are three uh, different kinds of oceanic movement first is waves tides and oceanic currents waves the up and down movements see on the surface of oceanic water are known as waves most of the waves are caused by wind when the winds brushes the surface of the sea it causes waves average ocean waves are about 1.5 to 3 meter high in shallow water near the shore the waves break uh, waves have great force they are powerful agents of erosion they pound the शोर्स and shape the कोस्ट लाइन्स बीचिस आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ मटीरियल्स बाय द वेव्स अलॉन्ग द शोर जो वेव्स यानी कि वेव्स माने लहरें जो होती हैं समुद्र में जो तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण मानी गई है और तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेल ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं जब वो आगे की तरफ से फोर्स करता है तब वो पवन लहरें बन जाती हैं जल की सतह से टकराकर कर पवने उस विभिन्न स्थान से ऊपर उठती हैं जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होने लग जाता है जैसे अगर हम ग्लास का जो पानी है या बहुत बड़े टब में पानी लेकर अगर हम उसे नीचे की तरफ एकदम तेज़ी से डालेंगे तो आप देखना वो जैसे समुद्र में लहरों की तरह जाता है ना वैसे फोल्ड से वो पानी भी उसी तरीके से घूमेगा और उन्हीं को ही हम तरंगे कहते हैं यानी कि वेव्स कहते हैं मौसम की जो दशा होती है या पवन की गति के अनुसार जो उसकी स्पीड स्टी, स्टी, होती है विंड की उसके अकॉर्डिंग ये तरंगे ऊँची उठती हैं और समुद्र की तूफ़ानी जो तरंगे ऊंची और विनाशकारी होती हैं भारत के पूर्वी जो आपका ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो चक्रवात उठते हैं उनसे ये जो तरंगे होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा धन जन और धन की हानि भी होती है इसी कारण चक्रवात आने से पहले जो रेडियो दूरदर्शन या समाचार पत्रों में इन माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप यहाँ पे सतर्क हो जाएं इस तरीके से इनसे बचने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है